और इस बीच मानसून सत्र से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया अनुपूरक बजट। विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा, सीधी मामले पर चर्चा को लेकर विपक्ष अड़ा है। कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा किया। विधानसभा की दोबारा कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा जोरदार देखने को मिला। विपक्ष ने आदिवासियों के मुद्दे पर हंगामा किया है। तो इसी हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अनुपूरक बजट पेश किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, विपक्ष के हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पारित किया गया। 26,816 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र, आपको बताते चले कि आज सत्र का दूसरा दिन है। विपक्ष के हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पारित किया गया है। विपक्ष लगातार सीधे मामले पर जमकर हंगामा कर रहा है। ऐसे में इसी बीच 26,816 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अनुपूरक बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पारित किया गया। 26,816 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार, आज दूसरा दिन। आपको बताते चले कि अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अनुपूरक बजट पेश किया है। मानसून सत्र के दूसरे दिन भी जमकर हंगामा देखने को मिला। सीधी मामले पर जमकर विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिला, सुनने को मिला। कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा किया। तो इससे बीच अनुपूरक बजट भी पेश किया गया और अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां आज अनुपूरक बजट एक तरफ पेश किया गया, 26,816 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया, तो साथ ही साथ अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा को स्थगित किया गया, विधानसभा की कार्यवाही को। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मानसून सत्र से जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी? अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है और इसी बीच आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष की तरफ से सीधी मामले पर चर्चा को लेकर हंगामा किया गया और अड़ा रहा विपक्ष इसी मामले पर। और इसी हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अनुपूरक बजट पेश किया। 26,816 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच यह अनुपूरक बजट पेश किया गया और उसके बाद इस विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। और एक बार फिर हमारे सहयोगी जितेंद्र की ओर रुख करेंगे। जितेंद्र, मानसून सत्र से जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी? देखिए, काफी ज्यादा हंगामे की भेंट पर विधानसभा का जो मानसून सत्र था वो चढ़ा और इस हंगामे के दौरान देखा कि मध्य प्रदेश की पंद्रहवीं विधानसभा की इस सीटें की आखिरी विधानसभा मानी जा रही थी सरकार की, उसमें जो अनुपूरक बजट है वो 28,816,63,87,000 का किया गया। और जैसे ही बजट पारित किया गया उसके बाद विधानसभा में जम विपक्ष ने हंगामा किया और हंगामे के साथ ही विपक्ष ने यहाँ पर ये आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में महाकाल लोक का भ्रष्टाचार हुआ है, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। और तमाम जो हंगामे के बीच जो विपक्ष के साथी थे वो आसंदी के पास पहुंच गए और लगातार हंगामा चलता रहा। इसी हंगामे की भेंट का जो 15वीं विधानसभा का सत्र चढ़ गया, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दिया गया। बिल्कुल, अगर आज दूसरे दिन की बात की जाए जितेंद्र, तो किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए, आज मुख्य तौर पर आदिवासी और आदिवासियों के अलावा उनकी जमीन से जुड़ी हुई चीजें और इसके अलावा मध्य प्रदेश पर जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं इन पर चर्चा की, वो खासतौर पर अनुपूरक बजट पर यहाँ पर चर्चा की गई। और अनुपूरक बजट के अलावा अगर हम बात करें तो अवैध जो उत्खनन मध्य प्रदेश पर हो रहा है, अवैध उत्खनन को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई और मंत्री पर FIR तक दर्ज कराने की जो बात थी वो यहाँ पर निकल कर आई। तो कई मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई, लेकिन जैसे ही अनुपूरक बजट की चर्चा यहाँ पर होना आया, पटल पर प्रस्ताव रखा गया, उस दौरान सदन ने लगभग जमकर हंगामा किया और उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दिया गया। बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि अगर बीते दिन देखा जाए तो विपक्ष की तरफ से महंगाई के मुद्दे पर भी हंगामा किया जा रहा था, प्रदर्शन किया जा रहा था अनोखे रूप में। ऐसे में महंगाई को लेकर आज क्या कुछ?
हाँ बिल्कुल, देखिए महंगाई को लेकर तो आवाज उठाई गई है सदन में, लेकिन सबसे ज्यादा जो आवाज यहाँ पर हंगामा हुआ वो आज आदिवासियों के मुद्दे को लेकर और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार हुए हैं उसको लेकर यहाँ पर ज्यादा हंगामा किया गया। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर काफी ज्यादा हंगामेदार ये सत्र देखने को मिला है और ऐसे में अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया है। अब आखिर सत्र के अनिश्चितकालीन स्थगित होने के बाद क्या किसी तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है नेताओं की तरफ से? लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अब यहाँ पर देखने को मिल रही है, चाहे विपक्ष चाहे सत्ता पक्ष, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, और लगातार यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा स्थगित किया गया है और साथ ही साथ अनुपूरक बजट हंगामे के बीच पेश किया गया, लेकिन इस दौरान हंगामा कई अलग अलग मुद्दों को लेकर हुआ। सबसे अहम मुद्दा विपक्ष की तरफ से जो उठाया गया वो था सीधी मामला, और इस मामले पर विपक्ष अड़ा रहा चर्चा को लेकर।